नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल वुडफेस में। आज बहुत दिनों बाद में एक ऐसा प्रोडक्ट हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, क्योंकि आप बहुत दिनों से आप हमारे चैनल पे या दूसरों के भी चैनल पे आप देखते होंगे जो मार्केट में अभी इंटीरियर या डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स अभी आ रहे हैं, तो लगभग सिमिलर ही आते हैं। तो आज लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट, खासतौर पर जो आर्किटेक्ट और इंटीरियर को पसंद आने वाला है, तो ऐसा प्रोडक्ट आप लोगों को दिखलाएंगे। तो ये बॉक्स में ना बहुत ही खूबसूरत एक प्रोडक्ट अभी आया हुआ है, कंपनी का नाम भी बताएंगे। तो उससे पहले हम मिलवाना चाहते हैं भुवन्यू अग्रवाल जी से, सुबनैन पैनल प्रोडक्ट के ऑनर से। जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या लेके आए इस बार? आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंटीरियर्स एंड एक्सटीरियर्स में ड्यूरेबिलिटी का खजाना। अच्छा, जैसे बाकी सारे जो भी अभी प्रोडक्ट्स हैं इंटीरियर्स एंड एक्सटीरियर्स में, वो आपके PVC, WPC या चाकुल बेस में है, तो अब मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एल्यूमिनियम बेस में डिजाइनर पैनल्स। अच्छा, तो ये कौन सी कंपनी की तरफ से? ये सर यूरो प्रतीक कंपनी है, हम लोग इसके नॉर्थ इंडिया के मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एंड ये हमारे साथ पिछले 15 सालों से कंपनी एसोसिएटेड है। बिल्कुल, जैसा कि सर कह रहे हैं कि 15 सालों से यूरो प्रतीक इनके साथ में एसोसिएटेड है, और यूरो प्रतीक को मतलब इस लाइन में कौन नहीं जानता होगा, चाहे वो एंड यूजर हो चाहे मतलब आर्किटेक्ट इंटीरियर, और हमेशा कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट लाने के लिए जाने जाते हैं इंडस्ट्री में। सबसे पहले कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, उसके बाद में फिर और लोग भी लेके आते हैं। वैसे तो ऐसा ही ये प्रोडक्ट लेके आ गए हैं, तो इस प्रोडक्ट का नाम क्या है सर? वैसे इस प्रोडक्ट का नाम एल्यूजन है जी, एंड ये आपके डेकोरेटिव एल्यूमिनियम के फसाड्स हैं। डेकोरेटिव एल्यूमिनियम के फसाड्स जी, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये दो डिज़ाइंस है, एंड ये आपका ऐसे इंटरलॉक होके जी मल्टीपल पैनल्स आप इन्हें लगा सकते हैं। तो ये आपका इंटीरियर्स में एंड एक्सटीरियर्स में दोनों जगह पे आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो जैसे 6063 ग्रेड का एल्यूमिनियम रहने वाला है। अच्छा, तो इंटीरियर्स में एक्सटीरियर्स में कहीं पर भी आप इसे लगा सकते हैं, एंड इम्पैक्ट रेजिस्टेंस है एंड टेम्परेचर रेजिस्टेंट है, किसी भी टेम्परेचर में मटेरियल ख़राब नहीं होगा। जैसे आप दिल्ली में तो जानते ही हैं, बिल्कुल बिल्कुल, 2 से लेके 50 डिग्री तक का टेम्परेचर हो जाता है कड़ाके की ठंड में, और एकदम गर्मी में भी ये पैनल कभी भी ख़राब नहीं होगा। अच्छा, तो जैसा कि आपने बताया कि ये एल्यूमिनियम बेस में है, मतलब कि, और डिज़ाइंस ऐसे हैं कि आपने एल्यूमिनियम के वैसे मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट देखे होंगे, एल्यूमिनियम के लूवर्स पैनल भी अब आने लगे हैं, एल्यूमिनियम के आपके कंपोजिट पैनल जो आता है वैसे भी काफ़ी सारे कलर्स में आते हैं, लेकिन इस तरीके के डिजाइंस में नहीं आ पाता है। इस अब ये जो आप देख रहे हैं डिजाइंस और फिनिशेस अभी तक मार्केट में कहीं भी नहीं है। फिनिश भी बहुत प्यारी जी है। अभी तक जनरली आपका सॉलिड कलर्स आते थे एंड आपके वुडन टोन्स में आते थे, जैसे कि जनरली ACP और उसमें आता है HPL में, बट इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको एक मेटालिक जो फिनिश होती है, एक प्रीमियम मेटालिक फिनिश जो होती है वो इसमें आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इसमें आपको ब्रश फिनिश देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक देता है, और मैट फिनिश में भी है और ग्लॉसी फिनिश में जी, भी जी है जी। और जो इन्होंने बताया कि अभी ब्रश फिनिश में, तो इस तरीके के ब्रश फिनिश में भी आपको मिलना बहुत ही खूबसूरत। मैं इसको नज़दीक से आपको दिखलाता हूँ कि किस तरीके का इसका लुक आने वाला है, तो बहुत ही खूबसूरत आपको प्रोडक्ट ये देखने को मिलेगा। खासतौर पर मैंने शुरुआत में कहा था सर कि आर्किटेक्ट इंटीरियर को बहुत पसंद आने वाला है ये प्रोडक्ट। जी जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। वो किस लिए पसंद आएगा सर? आर्किटेक्ट्स को इसीलिए पसंद आएगा बिकॉज ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप लगाने के बाद बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं जी। इसके साथ 10 साल की वारंटी आएगी, और हम लोग इसका बकायदा आपको एक वारंटी सर्टिफिकेट देंगे कंपनी की साइड से, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशनड होगी। अच्छा, प्रोडक्ट के लाइफ टाइम में कभी भी खराब होगा तो उसका आपको रिप्लेसमेंट मिल जाएगा या उसका कॉम्पनसेशन मिल जाएगा। ठीक है, उसमें हम लोग आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। क्या साइज और थिकनेस में मतलब कि ये प्रोडक्ट आ रहा है सर? इसमें काफ़ी सारे अलग अलग साइजेस हैं एंड अलग अलग थिकनेसेस हैं। अगर हम लोग मटेरियल की बात करें तो वो तकरीबन 1-1.5 mm का रहने वाला है, लगभग 1.5 mm के थिकनेस में, तकरीबन 1.5 mm का एक्सट्रूडेड एल्यूमिनियम है। एंड उसके बाद जो हमारे डिज़ाइंस की टोटल थिकनेस है वो आपको 8 से लेके 25 mm तक की मिलने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पैरामेट्रिक डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, जो डेप्थ की बात हम लोग कर रहे हैं, जो हमारे पैरामेट्रिक डिज़ाइन है ये वाले, इसमें तकरीबन आपको 25 mm तक की डेप्थ देखने को मिल जाएगी। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जो बेसिक लूअर्स के पैटर्न्स होते हैं वो भी काफ़ी मिल जाएंगे आपको, उसमें भी 3-4 कलर ऑप्शंस है हमारे पास। एंड एक और इसमें मज़े की बात है कि इसमें सारे कलर्स की हम लोगों को एल प्रोफाइल्स, इनर एल, आउटर एल एंड एन कैप्स। अच्छा, मतलब जॉइंटिंग वगैरह, जॉइंटिंग वगैरह के लिए आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे इस कलर का मैं आपको दिखाऊं। अच्छा, तो ये इसका एंड कैप हो गया जी। एंड कैप में अब जब हम लोग इसको इसमें फंसाएंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल मर्ज हो जाता है, इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि मटेरियल कहाँ ख़त्म हुआ एंड आपकी एंड प्रोफाइल कहाँ लगी। अच्छा, और दूसरा पीस भी इसमें लगा सकते हैं? ये सर दूसरे पीस के लिए नहीं है, ये तब के लिए हो गया। अच्छा, जब आपको पूरा डिज़ाइन ख़त्म करना है। अच्छा, मतलब एंड के लिए हो गया, ये एंड के लिए हो गया, फिनिश देने के जी। अगर आपको उसे दीवार पर घुमाना है जी, अगर आपको बाहर की तरफ घुमाना है, तो ये इसकी आउटर रेल हो गई। अच्छा, आउटर रेल का भी सिमिलर कंसेप्ट है। जब हम लोग इसको यहाँ पे लगाएंगे
तो यहाँ पे आपका बिल्कुल एक सीमलेस फिनिश आ जाएगा। एक दूसरा पीस भी दीजिएगा जी। तो अब जैसे हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे लगाएंगे, तो जब सेम कलर के सारे पैनल्स लगेंगे बहुत, तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल आपका मैच होते हुए इसके अंदर, जैसा कि सबसे बड़ा क्या होता है एसएससी एल्युमिनियम में ना एजेस के बहुत दिक्कत आती है, एजेस का सबसे मेजर इशू आता है, तो ये इन्होंने मतलब जो एसेसरीज दी है बिल्कुल ठीक बात है। अब इसमें अगर हम लोग थोड़ा बहुत ट्रिम भी कर देंगे उसके बाद अपनी एसेसरी लगा देंगे इसके अंदर, तो वो बहुत ही सेफ हो जाता है। कहीं पे अगर छोटे बच्चे हैं या कोई है तो उनको डैमेज जो आ सकता है, चोट लग सकती है अगर शार्प कॉर्नर्स रह जाए, वो वाली चीज हम लोग बिल्कुल खत्म करना चाह रहे हैं इसमें। ठीक है, एक तो इसमें लगभग कितने कलर्स हैं इसमें? हमारे पास तकरीबन 4-5 अलग अलग मोल्ड्स हैं एंड सभी में 3-3, 4-4 कलर्स हैं। सो टोटल ये आपकी 20 डिजाइनों की रेंज रहने वाली है एंड हर डिजाइन का एक डेडिकेटेड एंड प्रोफाइल, आउटर एल और इनर एल, जैसे कि मैंने आपको तीनों प्रोफाइल्स दिखाई वो आपको मिलने वाली है। अब जैसे मार्केट में जनरली इनर प्रोफाइल्स के लिए कुछ भी नहीं होता, तो इसमें हमारे पास इनर एल भी है। जैसे आपका एक ये पैनल है, इनर एल में आपका क्या होगा, अंदर की तरफ आपका जो लोअर पैटर्न है वो ऐसे आपका मैनेज हो जाएगा। इनर एल में आपका ये लग गया एंड जब सेम डिज़ाइन हम लोगों को आगे कंटिन्यू करना है तो दूसरा आपका वो ऐसे लग जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसमें जो आपका लूवर वाला लुक है वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, कहीं पे भी आपको कलम काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड बिल्कुल एक सीमलेस फिनिश इसमें आपको मिल जाएगा। तो इससे पहले जो आपने बताया था कि वो बाहर से जो राउंड करने के लिए जी, और ये अंदर की तरफ मतलब जैसे एल शेप जी, जैसा कि हम लोग अगर इसे किसी हॉल में लगा रहे हैं, कोई इसी ड्राइंग रूम में लगा रहे हैं जी, तो वहाँ पे हमारे पास अंदर की तरफ के एल्स होते हैं जो हमारे चारों कॉर्नर्स होते हैं। वहाँ पे अभी तक कोई भी प्रोडक्ट नहीं था जो हम लोग यूज़ कर सकते थे, बट इस इनर एल के साथ ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट आया है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बहुत लोग इसमें एक चीज़ और, जैसे कि आजकल मार्केट में एसएस के लोअर्स वगैरह चल रहे हैं जी और प्रोफाइल्स वगैरह चल रहे हैं, तो बहुत लोग इससे कंपैरिजन करना चाहेंगे क्योंकि वो प्रोडक्ट थोड़ा सा रेट के बारे में भी थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, हमारे व्यूअर्स भी कहते हैं थोड़ा सा रेट का अंदाज़ा तो एक बार देना पड़ेगा। रेट्स का सर इसमें अगर मैं आपको बताऊँ तो ये आपका जनरली एक प्रोजेक्ट बेस्ड आइटम होने वाला है एंड इसमें हम लोगों के स्लैब वाइज रेट्स होंगे डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी। तो एक मिनिमम टू मैक्सिमम स्टार्टिंग और वो सर तकरीबन आपकी 600-700 रुपए स्क्वायर फीट आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, इनिशियली काफ़ी लोगों को लगेगा कि ये काफ़ी हाई प्राइस है, बट जब हम लोग ये देख के चलते हैं कि ये आपको 10 साल इसमें मटेरियल में कोई भी मेंटेनेंस नहीं डालनी है, उसके अलावा बहुत ही प्रीमियम लुक आने वाली है इसमें। अगर आपने अपने इंटीरियर में या कमर्शियल प्लेस या कहीं पे भी आपने ये प्रोडक्ट लगाया तो हर आदमी पूछने वाला कि क्या प्रोडक्ट है। तो वो जो मैं पहले कह रहा था कि एसएस और इससे लोग कंपैरिजन करना चाहेंगे कि लूवर्स उसके मार्केट में देखते ही होंगे लोग, वीडियोस वगैरह काफ़ी सस्ते सस्ते बता रहे हैं और कहेंगे कि वो भी बहुत। तो भाई साहब एक बार थोड़ा सा उस प्रोडक्ट को इसके साथ में आप रख के देख लीजिएगा किस तरीके का लुक आता है और ये लगाने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या तरीका है। ग्लॉस वाले लूवर्स हमारे आते हैं एसएस में पीवीडी कोटेड वाले, वो एक थोड़ा सा गॉडी लुक देते हैं एंड हर जगह के लिए सूटेबल नहीं होते। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आप होम्स में, अपने कमर्शियल स्पेसेस में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं एंड काफ़ी प्रीमियम फिनिश इसमें आपको रहने वाली है। जैसे ये पर्टिकुलर डिज़ाइन है आपका, बहुत लिटिल इसके अंदर ग्लॉस का यूज़ किया गया ताकि एक आपको इफेक्ट मिल जाए, बाकी मेजॉरिटी जो है इसके अंदर ब्रश फिनिश है। तो उसमें क्या होता है, ये आईज के लिए बहुत अपीलिंग होता है। वही कहने वाला था कि वो जो एसएस प्रोफाइल के जो लूवर्स या प्रोफाइल्स आ रहे हैं वो आंखों में मतलब एक कुछ टाइम बाद में आपको चुभन देगी। हाँ, लेकिन ये जो प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट में वो चीज आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। आपको देखिएगा बिल्कुल एक आंखों को आराम, मतलब की इसके जो भी कलर्स और फिनिशेस हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे कि प्राइस भी आपने बताया, इंस्टॉलेशन प्रोसेस के ऊपर थोड़ा सा आप बताएं। इंस्टॉलेशन प्रोसेस जैसे बाकी हम लोग कोई भी एसीपी या एचपीएल लगाते हैं सिमिलर रहने वाला है जी। पहले एक एमएस या जीआई का आपका फ्रेम बन जाएगा, उस फ्रेम के ऊपर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक डेडिकेटेड स्पेस है जहाँ पे आपकी स्क्रूइंग हो जाएगी। अच्छा। स्क्रू करने के बाद जब आपका दूसरा पीस आएगा, फॉर एन एग्जाम्पल ये इसी डिज़ाइन का दूसरा पीस है, तो आपके जो स्क्रू का फेस है वो पीछे छुप जाएगा। अच्छा। एंड जब हम लोगों को इसको एंड करना होगा तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था हर पर्टिकुलर डिज़ाइन में हर कलर के लिए हमारे पास एक अलग एंड कैप है, तो इस पर्टिकुलर डिज़ाइन की जो एंड कैप हमारे पास आएगी यही कलर रहेगा बट उसका जो डिज़ाइन है वो ऐसा पैरामेट्रिक वाला रहेगा ताकि जब हम लोग उसको आगे ऐसे लगाएं तो सिर्फ कलर ही नहीं बल्कि पूरा डिज़ाइन भी आपका मैच कर जाए। जैसे ये इस पर्टिकुलर डिज़ाइन का है तो इसमें जब हम लोग एंड कैप लगाएंगे तो वो डिज़ाइन के साथ बिल्कुल मर्ज हो जाएगा, तो आपको कहीं पता ही नहीं चलेगा कि आपने जॉइंट कहाँ डाला। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इसको सीलिंग वगैरह में भी यूज कर सकते हैं इसको सर? बिल्कुल, आप इसे सीलिंग में, ये जो वॉल्स में बहुत ही पसंद आएगा लोगों को सीलिंग में।
ये पैरामेट्रिक डिजाइन आपकी सीलिंग्स के ऊपर या एक्सटीरियर फसाड्स में बहुत प्रीमियम लुक देते हैं। और ये एक इंटरलॉकिंग पैनल है तो कितने भी बड़े वॉल पे भी लगा जी बिल्कुल ठीक बात है। चौड़ाई क्या बताई थी इसकी? चौड़ाई सर इसमें डिजाइन के हिसाब से अलग अलग रहने वाली है। इसका 190 mm मिनिमम जो है हमारे पास वो 116 mm तकरीबन आपका 4.5 inch वाला जो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड लूअर होता है उस डिजाइन में रहने वाला, वहां से लेके हमारे पास 240 mm में सबसे मेजर जो डिजाइन रहने वाला है वो आपका पैरामेट्रिक डिजाइन रहेगा जो कि आपका ये वाला डिजाइन होगा। अच्छा, ये आपका 240 mm में है, ठीक है। एंड हाइट की अगर हम लोग बात करें तो हाइट इसकी स्टैंडर्ड रहने वाली है 2900 mm जो कि आपका तकरीबन 9.5 feet हो, 9.5 feet। हाँ, जो आजकल मतलब जो स्टैंडर्ड जो साइज है आज के दिन में वॉल से थोड़ा सा आपका सिर्फ 6 inch ही छूटता है जिसमें आप स्कर्टिंग वगैरह यूज कर सकते हैं आप किसी भी चीज को, चाहे वुडन करें चाहे इसकी भी डिजाइन। और आता है हमारा, हम लोगों ने दर्शकों को दिखाया नहीं, ये थोड़ा हाफ राउंड में बहुत ही अच्छी जी, ये आपका हाफ राउंड का डिजाइन हो गया। इसमें भी हमारे पास 3 प्रीमियम कलर्स आते हैं जी। तो ये आपका इंटीरियर्स में एक्सटीरियर्स में कहीं फसाड एरिया है फोयर एरिया है कहीं पे भी आप इसे बेझिझक यूज कर सकते हैं। अब एल्यूमिनियम की बात करें तो सर टर्माइट और बोरर का नाम लेना ही बिल्कुल कोई 100% वाटर प्रूफ है, टर्माइट प्रूफ है, यूवी रेजिस्टेंट मटेरियल है। 10 सालों तक सर एक्सटीरियर की हम लोग वारंटी दे रहे हैं। अच्छा, एक्सटीरियर में भी इसको यूज कर सकते हैं? एक्सटीरियर के लिए ही है सर। अच्छा, एक्सटीरियर में इंटीरियर भी है, एक्सटीरियर भी है जी, मतलब सूटेबल प्रोडक्ट है एक्सटीरियर में एंड इसके साथ हम लोग 10 साल का वारंटी भी दे रहे हैं साइन करके। बिल्कुल बिल्कुल। और मार्केट में अभी जो भी एल्युमिनियम वगैरह के चल रहे हैं जो फसाड्स वगैरह में यूज किए जाते हैं इस तरीके के डिजाइन आपको नहीं मिलते हैं तो ये एक आपके लिए ऑप्शन है। और खासतौर पे आर्किटेक्ट इंटीरियर बार बार मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक बात उनको है, बहुत पसंद आने वाला। अभी जो करेंटली मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल है वो आपके बेसिक प्लेन शीट्स है जैसा कि ACP और HPL में आता है, उसके अंदर काफी लोग अब लूवर्स डेवलप कर रहे हैं झिरी काट के, बट उससे क्या होता है कहीं ना कहीं जो पैनल की स्ट्रेंथ है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है बिकॉज उसकी थिकनेस कॉम्प्रोमाइज होती है। बिल्कुल वही चीज अगर आपको बिना कॉम्प्रोमाइज के एंड एक प्रीमियम लुक में चाहिए प्रीमियम फिनिश में चाहिए तो वहां पे इस पैनल से बेटर अभी तक कुछ भी नहीं है मार्केट। बिल्कुल। तो चलिए, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि अभी हम बोमन्यू जी के साथ में हैं और ये जो जगह है ये है सुबनैन पैनल प्रोडक्ट का ये शोरूम, खूबसूरत शोरूम है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि ये यूरो प्रतीक के 15 साल से लगभग डिस्ट्रीब्यूटर पूरे नॉर्थ इंडिया के है के हैं और भी काफ़ी सारे यहाँ प्रोडक्ट आपको बैकग्राउंड में भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आर्किटेक्ट इंटीरियर जब आते हैं तो उनको एक पूरी रेंज मिलती है कंप्लीट। बिल्कुल ठीक बात। थोड़ा सा एक रेंज बताना चाहेंगे जो कि यहाँ पे आएंगे एक बार तो जी सर। तो इसमें प्रोडक्ट के जब आप कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं उसके स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी इंटीरियर्स में आपको चाहिए होता है, जैसे आपको कमर्शियल आइटम्स चाहिए जैसे बोर्ड प्लाई MDF HDHMR से लेके डेकोरेटिव पैनल्स जिसमें आपका लैमिनेट लूवर्स चारकोल शीट्स एक्रेलिक शीट्स एल्युमिनियम के लूवर्स हो गए अब हमारी रेंज में, ये भी एक रेंज बढ़ गई है अभी, ये भी अब हमारी रेंज बढ़ गई। फ्लोरिंग्स हो गई, स्टोन विनियर्स हो गए, SPC शीट्स हो गई, ये सारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स हमारे पास अंडर वन रूफ अवेलेबल मिल जाएंगे। तो मतलब कहें कि बेसिक से लेके एक बेस से लेके जी और पूरा मतलब कि फ्रंट तक का जो एक डेकोरेटिव जो सेक्शन आता है जो भी फिनिशिंग के लिए जो भी प्रोडक्ट वो सारी चीजें यहाँ पे मिलने वाली है जी। प्लाईवुड वीनियर एंड इसमें हमारे पास प्लाईवुड तक का डिस्प्ले है कि हम लोग आपको किस वैरायटी का प्लाईवुड देंगे। अच्छा, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं ये हमारा स्टैंड है, इसके अंदर हमारे अलग अलग ग्रेड्स की प्लाईवुड फिंगर जॉइंट बोर्ड्स MDF पैनल्स और PVC बोर्ड्स जो मार्केट में अवेलेबल रहते हैं लोगों को सिर्फ छोटा सैंपल देखने को मिलता है। अगर आप इसमें पूरा पीस देखेंगे उसका वजन देखेंगे तभी आपको आइडिया मिल पाएगा कि किस क्वालिटी का मटेरियल हम लोग और यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी में सारे प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। खास तौर पे आपको लूअर्स की रेंज बहुत ही बड़ी मिलने वाली है, अलग अलग तरीके के मतलब यहाँ पे जो आपको लूअर्स की रेंज मिलेगी क्योंकि मैंने खास तौर पे यूरो प्रतीक में हमेशा से ज़्यादातर कवर करता आया हूँ तो ऐसे डिज़ाइंस आपको बहुत कंपनी में नहीं देखने को मिलते हैं। तो सारी रेंज एक्रेलिक हो लूवर्स हो जो भी आज के दिन में मार्केट में ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है वो सारे के सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिए यहाँ पे और ये सारे प्रोडक्ट का मतलब कि आप लाइव एक बार देखिए अपनी आंखों से देखिए एंड उसे फील कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय निकाला और हम ये जो प्रोडक्ट लेके आए हैं हमारे व्यूअर्स को भी बहुत पसंद आया होगा जो व्यूअर्स देख रहे हैं। तो और भी ऐसे प्रोडक्ट के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए प्रोडक्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।